नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट DLN के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों आपको पता है, आज से हम लोग करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिससे आपके करेंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन अपडेट होते रहें। तो आइए साथियों, आज का सीरीज हम लोग शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके लिए। किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया है? क्वेश्चन है आपके लिए कि किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया है। आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व ऊर्जा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। आप सभी अपना अपना आंसर बताएं और जल्दी से जितने भी लोग हैं वो लाइव चैट के लिए जुड़ जाएं हमसे। ठीक है साथियों, देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, WEF बोला जाता है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनोन आहूजा, अजीत राय, अरुण कुमार, वी विद्यावति। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, वी विद्यावती जो है उन्हें ASI का नियुक्त किया गया है महानिदेशक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीन, अटल पेंशन योजना का संचालन कौन सा संगठन करता है? अटल पेंशन योजना का संचालन कौन सा संगठन करता है? आपके चार ऑप्शन हैं, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है वो है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? युकी भांबरी, लिएंडर पेस, अंकित रैना और सानिया मिर्जा। देखिए ये जो आंसर होगा आपका वो होगा सानिया मिर्जा। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सानिया मिर्जा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश चंद्र, अनीता करवाल, मनोज आहूजा, अनुराग जैन। जल्दी से आप सभी लोग अपना आंसर सबमिट करें। देखिए जो CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है मनोज आहूजा। ये हैं आपके विकल्प, जो विकल्प हैं वो सी विकल्प जो है आपका वो सही है, मनोज आहूजा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर सिक्स। और इसका जो आंसर है वो है केरल राज्य। केरल राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सात, तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग यानी ग्लोबल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है? आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसे देखकर अपना अपना आंसर बताएं। देखिए वो जो विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी, तंजौर नेती वर्क्स, इन्हें GI टैग से सम्मानित किया गया है। GI टैग बेसिकली किसी भी स्थान की कोई विशेष चीज ऐसी है जिसे एक ग्लोबली रूप में उसको इंडिकेट करने के लिए इस टैग को दिया जाता है, जिससे इसकी पहचान पूरे विश्व स्तर पर हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर एट का वो है बी ऑप्शन, साई चंद्रवदन। जो साई चंद्रवदन है इनके द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक लिखी गई है। इसमें भी कुछ आपको बहुत डिटेल कुछ बताने लगा ऐसा है नहीं, इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं फिलहाल में। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर नौ है,
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय क्या है जो भी हाल ही में गुजरा है, तो आप बता सकते हैं इसका जो थीम रखा गया वो क्या है। जो पहला ऑप्शन है वो है नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, बी ऑप्शन है नर्सेज अ वॉइस टू लीड हेल्थ, एंड सी ऑप्शन है नर्सेज अ वॉइस टू लीड हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट, एंड डी ऑप्शन है नर्सेज ऑलवेज देयर फॉर यू। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि अब आने वाले एग्ज़ामों में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आजकल ये मेडिकल स्टाफ जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है देश में। तो जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे बड़ा थर्मल प्लांट कौन सा है? NTPC विंध्याचल, NTPC कोल्डम, NTPC सीपत एंड NTPC कनीहा। सब करेंट अफेयर्स की जो भी सीरीज़ हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी नए क्वेश्चन इधर हैं जो चर्चित हैं, आप सब वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हम लोग लाएं, आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एक बार उसे देखें, उस क्वेश्चन से गुजरें कि कभी भी परीक्षाओं में वो क्वेश्चन आए तो आप उसको सही कर पाए। देखिए दोस्तों, जो 10वें नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, NTPC विंध्याचल। ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी आपका, कर्नाटक। कर्नाटक ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 9 मई, 7 मई, 6 मई और 10 मई। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, आपका विकल्प बी यानी 7 मई। जो 7 मई है इसी दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? हाल फिलहाल के दिनों में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। बिल्कुल इसका जो आंसर है वो है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही के दिनों में प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसे बता सकते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 8 मई। 8 मई को, हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़ा निकासी अभियान का नाम क्या है? जो अभी कोविड-19 से जो भी प्रभावित लोग हैं, तो आप देखेंगे हर देश अपने अपने नागरिकों को ले जा रहा है, तो भारत सरकार ने भी विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया है उसका जो नाम है वो, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन ऑप्शन है आपका बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन है? जो सद्भावना एम्बेसडर जो बनाया गया है वो कौन है? आपके विकल्प हैं दिया मिर्जा, अमिताभ बच्चन, अशोक अमृतराज, प्रियंका चोपड़ा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो है विकल्प ए, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को सद्भावना राजदूत बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17,
हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है। वे कौन थे, यानी वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके विकल्प हैं पत्रकार, क्रिकेटर, फुटबॉलर या एथलीट। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फुटबॉलर। वो एक महान फुटबॉलर थे और माइकल रॉबिन्सन का हाल ही में भी निधन हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका जहाँ पे क्रिकेट की शुरुआत हो रही है, तो अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जे अरुण कुमार, राहुल द्रविड़, दिनेश मोंगिया या अजय जडेजा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम का राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया है हाल के दिनों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 2021 में पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा? वर्ष 2021 में पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियन का आयोजन कौन करेगा? ये सब पहले से ही संभावित जो रखे गए प्रस्तावित स्थल हैं, तो उससे क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर्बिया। सर्बिया में पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के आयोजन को प्रस्तावित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य ने कोविड-19 के उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? किस राज्य ने कोविड-19 के उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य ने सबसे पहले भारत में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा आज के हमारे 20 क्वेश्चन की श्रृंखला जो करंट अफेयर्स से संबंधित थी। अब आगे हम आपसे प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उससे आपके लिए क्वेश्चन जरूर लेकर आए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो और आगामी आने वाले परीक्षाओं में आपको इससे काफ़ी मदद मिल पाएगी। तो ठीक है, चलते हैं साथियों, और चलते चलते हम चाहेंगे कि जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, फिर धन्यवाद।